ग्रेटर नोएडा की SDM दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन अगर वापस नहीं लिया गया तो IAS एसोसिएशन अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। IAS एसोसिएशन के सदस्यों ने आज दुर्गा शक्ति के निलंबन के मामले में कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री नारायण सामी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला है, लेकिन अगर फिर भी निलंबन वापस नहीं हुआ तो वो आदेश को अदालत में चुनौती देंगे। अभी की विधिक व्यवस्था है, उसके तहत केंद्र सरकार को अधिकार है, अगर कोई नए तथ्य उनके संज्ञान में आते हैं या उस अधिकारी द्वारा रिवीजन या मेमोरियल फाइल किया जाता है तो उस पर विचार करके मेरिट पे केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है जो अंतिम होगा। दुर्गा नागपाल का प्रकरण है, हमारा मंशा ये है कि जो व्यवस्था में कमी है उसको सर्वप्रथम हम दूर कराए, नियमों में जो कमी है उसको ठीक कराए और जहां संशोधन आवश्यक होगा वहां नियमों में संशोधन, अगर नहीं होगा तो इसका एक प्रक्रिया है, हम सरकार के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे और नहीं होगा तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। हम प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग रहा है, दुर्गा नागपाल जो ऑफिसर उन्होंने उनको सस्पेंड किया उसके क्या क्या कारण है हम उनको रिपोर्ट मांगा, प्रदेश सरकार से अभी तक जवाब नहीं आया। रिप्लाई आने के बाद हमारे सरकार की तरफ हम रूल के आधार पर एक्शन लेने के लिए हमारे तरफ से हम तैयार होगा। ग्रेटर नोएडा के SDM दुर्गा शक्ति नागपाल को कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने धार्मिक स्थल की दीवार गिराने के आरोप में निलंबित कर दिया था।